और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि पीटी का पेपर अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, और जो लोग अपीयर नहीं हुए होंगे वो इस पेपर से कहीं ना कहीं से बहुत कुछ सीखेंगे कि यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कि एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसे बदल रहा है, और स्पेशली नए ट्रेडिशन के हिसाब से कि जहाँ इकोनॉमी का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ तो क्लियर है कि जब जो जो चीज़ें लाइमलाइट में रहती हैं वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? आज हम कर रहे हैं मीर तकी मीर को। मीर तकी मीर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से आप में से हर हर शख्स अब कोई उर्दू पहली बार पढ़ रहा हो, कोई उर्दू पहले से पढ़ रहा हो, या किसी की उर्दू में महारत हो, एटलीस्ट ये नाम एक ऐसा नाम है कि जिससे सब लोग कमोबेश वाकिफ हैं, मीर तकी मीर से। मीर तकी मीर का नाम जब भी आता है तो हमारा जहन दिल्ली शायरी की तरफ नहीं, रिख्तापन की तरफ या एक नए तरह की शायरी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। एक शेर याद आ रहा है मुझे अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी कि शायर को कहीं ना कहीं अपनी अजमत का एहसास था, अपनी बड़ाई का या अपनी कदरदानी का या एक खुद शनाख्त शख्सियत का अंदाज़ा था। जब हम बात मीर तकी मीर की करते हैं तो कुछ उसी से मिलता जुलता शेर कि था वह तो रश्क हूर बहिश्ती हमीम अमीर, था वह तो रश्क हूर बहिश्ती हमीम अमीर, समझे न हम तो फहम का अपना कसूर था। और एक और शेर है उनका कि कौन सा शेर है उनका कि बरसों लगी हुई हैं जब मेहर व माह की आंखें, तब हमसा कोई साहब साहिब नजर बने हैं। जब हम बात करते हैं मीर तकी मीर की, तो मीर तकी मीर के उस्तादी का तस्लीम या उनके उस्तादी को आने वाले दिनों के उर्दू के बड़े बड़े शायरों ने एतराफ़ किया है या इसको कबूल किया है, खसूसी तौर पे मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक, बहादुर शाह जफर, मोमिन, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर और इवन फैज़ अहमद फैज़। तो इतने बड़े शख्सियात का जो कि उर्दू में एक खसूसी अहमियत के हामिल हैं, मीर तकी मीर की अजमत का एतराफ़ करना ये मीर तकी मीर के लिए काफ़ी है। हम एक ही करके समझते हैं मीर तकी मीर को, कि सबसे पहले देखते हैं कि जो सवालात पूछे जाते रहे हैं इनसे गुज़िश्ता सालों में, और उन सवालात की बुनियाद पर कि जो सवालात पूछे जाने के इम्कान है। दूसरे की थोड़ी बुनियादी तालीम इनकी, यानी कि बुनियादी तारीफ जिसमें उनकी तालीम और उनका ब्रॉटअप वगैरह, इसके अलावा कि जो उनके अहम दीवाने हैं, दीवानों में उनका नसरी दीवान हो या फिर शायरी का दीवान हो, और इसके अलावा उनकी शायरी की नुमाया खसूसियत या नुमाया अजमत शेर के हवाले से, ये सब कुछ हम एक ही करके करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीर तकी मीर से जुड़े हुए जो कुछ सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि मीर तकी मीर ने अपनी शायरी को शेर शोर अंगेज कहा है, इससे उनकी क्या मुराद है? देखिए, कहीं पे शेर शोर अंगेज लिखा है और कहीं पे शेर शोर अंगेज लिखा है, इससे उनकी क्या मुराद है? इसकी वजाहत इस तरह करें कि उनके शायरी की अजमत नुमाया हो जाए। दूसरा शेर है, आई मीन कि दूसरा क्वेश्चन है, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर की शायरी क्या महज दर्द गम की शायरी है, जैसा कि उन्होंने मंदरजा बाला शेर में दावा किया है, या वो नशात गम या जिंदगी करने का हौसला भी बख्शती है? मुदल्लल बहस कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मीर के यहाँ शेर शोर अंगेज की कैफियत पर भरपूर रोशनी डाली है, और इस तरीके से यानी कि जितने भी सवालात पूछे गए हैं तो उन सवालात को एक ओवरऑल हमने कोडिफाई किया है या क्लासीफाई किया है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि ओवरऑल सवाल दो तरीके से पूछा गया है। एक तो उनकी ज़िंदगी की कर्बना की, ज़िंदगी की तकलीफ़ और अफसोस कि जैसे कि आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई, अकबराबाद में, और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आपका दिल्ली में गुजरा, और आपका इंतकाल लखनऊ में हुआ। इस बात से तो कमोबेश सब लोग वाकिफ होंगे। माँ बाप का साया बहुत कम उम्र में ही आपके सर से उठ गया, और भाइयों के साथ में आपकी निभा ना हो सके, यानी कि घरेलू हालात, माशी हालात बहुत बेहतर नहीं थे आपके।
अलगर्ज आप दिल्ली आए और दिल्ली आने पे खान आरजू जो आपके सौतेले मामू थे उनके साथ भी आपके नहीं जमे, तो खुद की और घर की हालात तो खराब थे ही, माशी हालात भी खराब था उनका, और इसके साथ में हम देखते हैं कि समाजी व सियासी हालात कि उसी दौरान जब आप दिल्ली में होते हैं शायरी कर रहे होते हैं, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का, दोनों के लगातार हमलों ने दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी, और एक ही चीज बचा था वो भी था दिल लगी, और बाद में उनको वो भी हो गया। तो यानी कि देखें कि उनकी दाखिली जिंदगी या खारजी जिंदगी दोनों जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी, क्लियर है, दोनों जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी उनकी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान अपने समाज से या अपने माशरे से अलग नहीं रह सकता है, जिस चीज़ के को महसूस करता है, जिसका वो मुशाहिदा करता है, वही चीज़ें उसकी शायरी का हिस्सा बन जाती हैं। गोया यही खूबी है कि मीर तकी मीर की शायरी अपने आप में उनके दर्द की दीवान है, क्लियर है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी उनकी इब्तदाई तालीम कि उनका नाम मोहम्मद तकी था और अकबराबाद यानी आगरा में तकरीबन 1725 में पैदा हुए थे। उनके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अली या मोहम्मद मुत्तकी था जो एक सूफी फ़कीर थे। मीर बचपन से ही सूफियों के साथ और आलिमों के साथ उठते बैठते और सादा ज़िंदगी बसर करते थे। बाप के इंतकाल के बाद सौतेले भाइयों ने उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई और इस तरह उन्होंने आगरा को छोड़ दिया और दिल्ली चले आए और दिल्ली को ही अपना वतन बना लिया। सौतेले मामू खान आरजू के यहाँ ठहरे जो अपने वक्त के बड़े आलिम थे। मुख्तसरन ये कि जैसी दुख भरी हालत दिल्ली की थी वैसे ही मीर तकी मीर की, यानी कि उनकी ज़िंदगी मसाइब व आलाम का एक सिलसिला थी जिसका तार बचपन से लेकर लखनऊ जाने तक कभी न टूटा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस तरह मीर ने जब दुश्वारियाँ बढ़ती देखीं तो लखनऊ की राह पकड़ी। नवाब आसिफुद्दौला ने उनका खैर मुकदम किया और 300 रुपया माहाना मुकर्रर कर दिया, पर नवाब से उनका निगाह न हो सका और 1810 में इस अजीम शायर का लखनऊ में ही इंतकाल हो गया। जब आपने लखनऊ की सरजमीन पर कदम रखा तो लोगों ने उनके लिए आंखें बिछा दी। अमीर से लेकर गरीब तक, बादशाह से लेकर फकीर तक एजाज व कदरदानी में सबकत की, गोया लखनऊ के शेर व सुखन की महफिल में जान पड़ गई और मुशायरों की रौनक में मजीद इजाफा हुआ और मीर मुरजिया कमाल बन गए, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उस वक्त अब तक उनके कमाल का सिक्का लोगों के दिलों पर बैठा हुआ है और बड़े से बड़े शायरों ने उन्हें अपना उस्ताद माना है। और गालिब ज़ौक़ लिखते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब अपना यह अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िद मीर नहीं। रेख्ते के बारे में हमारा एक स्पेशल लेक्चर है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं आप लोग की रेख्ता, रेख्ती और रेख्तापन। इसके अलावा कि एक नया दौर जो शुरू हुआ था उस समय कौन सा दौर था, जब दिल्ली में जब अदबी महफिल की शुरुआत हुई यानी कि बिल्कुल इब्तदाई दौर में, तो उस समय रेख्ता के साथ साथ देखिए जहन से स्विच कर रहा है कि कौन सा एक वर्ड था वो, चलिए नहीं बस अभी बीच में अगर आएगा तो मैं रिकॉल करूंगा उसको। इसके अलावा कि जो अहम टर्मिनोलॉजी है या जो अहम अल्फाज हैं जैसे कि तमसील, इंशाइया, मजमून और दिगर ज़रूरी अल्फाज कि जिनका बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक तारीफ आपके लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ हमने एक लेक्चर में कंपाइल किया हुआ है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो हमने बताया मीर तकी मीर के बारे में, ये कुछ बुनियादी और ज़रूरी मालूमात हैं कि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मीर तकी मीर की ज़िंदगी मुसीबत व आलाम का एक सिलसिला थी जिसका तार बचपन से लेकर के और मौत तक कभी नहीं छूटा, वो आगरा की सरजमीन हो, दिल्ली की सरजमीन हो या फिर लखनऊ की सरजमीन हो, क्लियर है। तो इससे एक मदद मिलेगी आपको एक बेहतर और एक कम्पैक्ट आंसर लिखने में, क्लियर है। इसके अलावा कि जो उनके अहम दीवान हैं उन अहम दीवानों का जिक्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहला जिक्र मीर जिसमें अपने हालात आपने खुद लिखे हैं फारसी में, 6 दीवान आपके टोटल हैं जिनमें से निकातु शेर, फैज़ मीर, इसके अलावा उन्होंने मसनवी और मरसिए भी लिखे हैं और उनके मशहूर मसनवियों में ख्वाब व ख्याल और इश्किया मसनवियों में शोला इश्क है, शिकारनामा भी है। उनकी अजमत का राज हम देखते हैं कि जहाँ से देखिए एक शेर शोर अंगेज निकले है, क़यामत से हंगामा है हर्जा मेरे दीवान में। कहते हैं कि खुददारी का ये आलम था मीर तकी मीर का कि पूरी ज़िंदगी भूखे रह सकते थे लेकिन कभी झुकना
या कभी किसी से आरजू मन्नत करना गवारा नहीं था उनको। कुछ अहम एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जब दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई और यहाँ गुजारा मुश्किल हो गया तो आपने लखनऊ के सफ़र का इरादा किया, और सफ़र के दौरान कोई शख्स मिला आपको कि जो शख्स आपके बड़े मोतकदीन या बहुत बड़े फॉलोअर में था आपके, और मिलते ही बड़ा खुश हुआ और कहा कि अच्छा लगा हज़रत आपसे मिल करके कि अब सफ़र अच्छा कटेगा। गोया कि पूरा सफ़र कट गया लेकिन मीर तक़ी मीर ने उससे कोई बात नहीं की। उतरने के बाद ये बात उसको बहुत नागवार लगी कि कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हज़रत ने हमसे बात नहीं की। तो कहा कि मीर तक़ी मीर का जवाब क्या था कि वो ज़बान जिसकी हिफाजत हमने पूरी ज़िंदगी की है, चंद पल में आपसे बात करके मैं ख़राब नहीं करना चाहता। यानी कि उर्दू से वो रुग़बत और ज़बान से वो उनसियत, ये मीर तक़ी मीर की अज़मत का एतराफ़ है अपने आप में। इसी पे जब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा तो शख्स ने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं और आपकी शायरी के चर्चे हर जगह हैं, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हैं, एक शेर बनाने में कितना समय लेते हैं? तो आप मुस्कुराए और कहा कि देखें, शेर बनाना चावल दाल बनाने के मानिंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिसरा आसानी से तैयार हो जाता है और दूसरे मिसरे में काफ़ी वक्त लग जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा मिसरा अचानक बन जाता है। तो शख्स का जवाब सुनिए, उसने कहा कि मैं तो बाथरूम में बैठा होता हूँ, एक शेर तैयार हो जाता है। तो मुस्कुरा के आपने कहा कि फिर उसके अंदर से खुशबू भी वैसे ही आती होगी। तो ये उनकी कुछ तंजिया या एक ज़राफ़त भरे लहजे थे जिसका जिक्र हमने किया आपसे। और ये चंद दीवानों के अलावा, चूँकि नोट्स जो है वो कम्प्लीट नोट्स है आपका, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू, क्लियर है? तो ये शेर देखते हैं कि जहाँ से देखिए एक शेर शोर अंगेज निकले है, कयामत सा हंगामा है हर्जा मेरे दीवान में। मीर तक़ी मीर न कि 18वीं सदी के सबसे मशहूर और अफजल शायर हैं बल्कि सरताज शोराए उर्दू भी हैं। उनका कलाम उसी ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा जाएगा जैसे सादी का कलाम फारसी में, और इसीलिए हम कहते हैं कि मीर तक़ी मीर उर्दू के सादी हैं। यानी कि फारसी में जो अजमत और जो मकबूलियत सादी के दीवान की या उनके शेरों की है, वही अजमत उर्दू अदब में या उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर मीर तक़ी मीर की है, क्लियर है? मीर उन लोगों में से हैं जो हमातन शेर में डूबे हुए थे, जिन्होंने अपने कलाम से उर्दू फसाहत को चमकाया और ज़बान को ज़िंदा रखा। शायरी मीर साहब की ज़िंदगी का जुज़ थी, यानी हिस्सा थी, गोया फितरत ने उन्हें इसी सांचे में ढाला था। उनके कलाम का लुत्फ किसी ज़माने में कम नहीं हुआ। T.S. एलियट का स्टेटमेंट है, ये किसी और लेक्चर में हमने बताया होगा आप लोगों को, कि T.S. एलियट का कहना है कि किसी शायर के या किसी अदीब के मरने के 100 साल बाद भी अगर उसका अदब या उसका दीवान जिंदा है तो ये उसकी अजमत की वाज़ह दलील है। हम देखते हैं कि मीर तक़ी मीर का इंतकाल 1810 में हुआ, कमोबेश 1810 से अगर हम देखें तो 200 सालों से ऊपर गुजर गए, लेकिन मीर की अजमत में वक्त के साथ इजाफा ही हुआ है, मादुमियत नहीं आई है, या उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मीर तक़ी मीर के मुसल्लमुस्सबूत या मुसल्लमुस्सबूत उस्ताद होने की सबसे वाज़ह दलील है ये, या वाज़ह सबूत है, क्लियर है? जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। उर्दू शायरी को दर्द व असर सोज़ो गदास से मालामाल करने वाले का नाम मीर तक़ी मीर है। उनके दर्द गम का सर चश्मा उनकी ज़ात व ज़माना दोनों ही थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ और बदहाली में गुजारी, इसीलिए उन्हें उजड़ी हुई दिल्ली की अलामत कहना गलत ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मिसाल के तौर पे ये शेर दे दिया और शेर के बाद कहा कि इस शेर की रोशनी में उनकी शायरी को या उनकी शख्सियत को उजड़ी हुई दिल्ली की अलामत कहना गलत ना होगा, इस कौल की मुदल्लल वजाहत कीजिए, क्लियर है? इस कौल की मुदल्लल वजाहत कीजिए। उनकी शायरी एक दुखे हुए दिल की आवाज़, जागीरदारों तमन्दुन की मजरूह इंसानियत की कराह थी। वह आज तक गज़ल के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। इसकी तस्दीक बड़े बड़े शोरा जैसे गालिब, ज़ौक व दूसरों ने भी की है। फारसी के शायर हाफिज़ की तरह उर्दू शायरी का खुदाए सुखन माना जाता है आपको, और उनके शेर तीर की तरह दिल में उतर जाते हैं। सीधी साधी बोल चाल की ज़बान में इतना मज़ा और इतनी मिठास, तलखी दिली जज्बात की इतनी नाजुक मुसव्वरी और जज्बात का इतना तूफ़ानी जोश,
ये सब मुजज़ा मालूम होता है। मीर की शायरी को अलमिया रंग व आहंग इन्हीं तूफानी जोश ने अता किया था। माशी परेशानियां उनके मुस्तकिल आज़ार थीं, तनहा ज़ात के लिए यह गम क्या कम थी कि मोहब्बत का गम मोल ले बैठे। इस बीमारी दिल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लिखते हैं कि मसाइब और थे पर दिल का जाना अजब एक सहासा हो गया है। यानी कि जैसे हमने बताया शुरू में आपको कि आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही मुसीबतों से भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद आपका इश्क होना जो कि इंसान की एक बुनियादी फितरत है, और उसने क्या किया कि आपकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा किया। मीर ने कैसे आलम की तख्लीक अपने दिल में की थी जिसमें ज़िंदगी की सारी रानाइयाँ उनके लिए मालूम हो चुकी थी। यानी कि खुशी का कोई मतलब नहीं था, आप अंदर से खुश नहीं रहते थे। उनका दिल महबूब ने पामाल किया था और दिल्ली उनके दिल से कम पामाल नहीं थी। नादिर शाह मोहम्मद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली की हालत को रेजा रेजा कर दिया था और 800 साल पुरानी तहजीब की बुनियादें हिल गई थीं। इन तमाम हवादसात ने उन्हें बुरी तरह मुतासिर किया। उनकी शायरी इसी शिकस्त ज़िंदगी का मातम है जिसका एहसास हमें उनकी गज़लों का मुताला करते वक्त में होता है। वह कलाम मीर में पाया जाने वाला यही दर्द है।